अच्छा, मैं वंदना अरोड़ा, सीनियर लेक्चरर इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, गांधीनगर से। आज मैं वाप निटिंग के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैं निटिंग पर बहुत सारे लेक्चर्स दे चुकी हूँ, तो आज मैं वाप निटिंग के बारे में आपको बताऊंगी कि वाप निटिंग है क्या। वाप निटिंग फैब्रिक प्रोडक्शन का फास्टेस्ट मेथड है, जो कि बहुत सारे यान से बनाया जाता है। वाप यान वेफ वाप निटिंग वेफ निटिंग से बहुत ज़्यादा अलग होती है। वाप निटिंग में एक निडल का अपना एक इंडिविजुअल थ्रेड होता है, जो कि निटिंग के प्रोसेस को मूव करता है। ये निडल्स एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई होती हैं और इन पर यार्न्स लूप बनाकर एक दूसरे से इंटरलॉक होकर, जिगजैग मोशन में इंटरलॉक होकर फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन करता है। देखिए, ये बहुत सारे यार्न्स हैं, ये यार्न्स हैं जिसमें हर यार्न वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेल्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये, और जिगजैग मोशन है। कलर से यदि हम देखें तो ये जिगजैग मोशन के थ्रू यार्न्स की लूप्स की इंटरलॉकिंग हो रही है और फैब्रिक का प्रोडक्शन हो रहा है। और वाप निटिंग में हम फ्लैट फैब्रिक को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर शीट फॉर्म में हम फैब्रिक को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वाप यान कई तरीके का होता है। वाप निटिंग कई तरीके की होती है, ट्राइकॉट, ब्रेस्चल, मिलेनीज और स्टिच बॉन्डिंग। इसको हम आगे देखेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ वाप निटिंग। वाप निटिंग को कंस्ट्रक्ट करने के, या वाप निटिंग जब निटिंग की जाती है, तो उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो बेसिकली इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि कंपाउंड लैपिंग मूवमेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं वाप निटिंग निटेड फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब बहुत सारे मूवमेंट्स एक साथ चलते हैं जिससे कि वाप निटिंग होती है, और इन मूवमेंट्स या इन मोशंस को हम दो सेपरेट पार्ट्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट है स्विंगिंग मोशन और सेकेंड है शॉगिंग मोशन। तो फर्स्ट स्विंगिंग मोशन यानी कि स्विंग होना बैकवर्ड डायरेक्शन और मूव और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होना स्विंगिंग मोशन कहलाता है। स्विंगिंग मोशन जो है वो मशीन में लगे मेन कैम शाफ्ट के द्वारा ऑब्टेन किया जा सकता है, किया जाता भी है। और शॉगिंग मोशन जो है वो लेटरल मोशन है, यानी कि साइड डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट या किसी भी एक साइड में मूवमेंट्स होते हैं, उनको शॉगिंग मूवमेंट्स कहते हैं, और इससे फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन होता है। शॉगिंग मोशन में एक पैटर्न मशीन में एक पैटर्न व्हील होती है और वो मशीन के एक साइड पर लगी हुई या अटैच होती है। नंबर ऑफ पैटर्न व्हील्स और नंबर ऑफ गाइड बार्स इक्वल नंबर में हमेशा यूज होती है, तभी वार्प निटिंग का फैब्रिक प्रोड्यूस किया जाता है। लेटरल मूवमेंट गाइड बार्स का निडल बार्स के साथ शॉगिंग मूवमेंट कहलाता है, यानी कि गाइड बार्स और निडल बार्स एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं, पैरेलल लेटरल मूवमेंट करती हैं, और इसे शॉगिंग मोशन या शॉगिंग मूवमेंट कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वार्प निटिंग स्ट्रक्चर्स, कि वार्प निटिंग का स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है। वार्प नेट का स्ट्रक्चर
ज्ञान को सप्लाई कर कर बहुत सारे यान्स को, बहुत सारी निडल्स पर, जितने जितनी निडल्स हैं उतने ही निडल्स पर यान को सप्लाई कर उस विड्थ का फैब्रिक कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और यान्स जो है हमेशा वेल्स के डायरेक्शन में सप्लाई किया जाता है। यानी कि यदि हम वोवन फैब्रिक से यदि हम इसका कंपैरिजन करें तो जिस तरीके से वार्प डायरेक्शन चलता है, इसी तरीके से बहुत सारे वार्प एक ही डायरेक्शन में पैरेलल सप्लाई किए जाते हैं डिसाइडेड फैब्रिक की विड्थ के अकॉर्डिंग। वार्प निटिंग में हर एक सेपरेट यान हर निडल को सप्लाई किया जाता है, और फैब्रिक जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो हर यान को एक दूसरे से अटैच करने के लिए यान्स को डिफ्लेक्ट किया जाता है लेटरली या लेटरल मूवमेंट के द्वारा, जिससे कि लूप्स या यान्स एक दूसरे से इंटरलॉक होते हैं और फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन करते हैं। और इस तरीके से नया यान बनता है, नए यान से लूप बनता है, और पुराना यान जो है वो नीचे से नॉक डाउन होता है और फैब्रिक जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है। और ये प्रक्रिया बार बार चलती है कि लूप यान से नया लूप बनेगा और पुराना लूप नीचे की तरफ उतरता है और फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन होता है। वार्प नीटेड स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है स्टिच और सेकेंड पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ लेंथ। कि स्टिच का की लेंथ क्या है, क्या होगी? तो पहला है हमारा द स्टिच। स्टिच क्या है, इसे हम देखते हैं कि किसी भी निडल पर, किसी भी इंडिविजुअल निडल पर जब यार्न रैप होता है, यानी कि नया लूप बनता है और पुराना लूप नीचे की तरफ गिरता है, यह प्रक्रिया स्टिच से रिलेटेड होती है। और रैपिंग जब, या यान जब निडल पर रैप होता है तो यह प्रक्रिया ओवरलैपिंग कहलाती है, और नया लूप बनता है और पुराना लूप नॉक ओवर हो जाता है, या पुराना लूप अपनी पहली वाली स्पेस को छोड़ देता है या उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। सेकंड पार्ट है स्टिच फॉर्मेशन। इसमें ये देखते हैं कि स्टिच का लेंथवाइज में, लेंथ के डायरेक्शन में कितनी लंबाई है स्टिच की, और जब स्टिचेस की लेंथ एक दूसरे को इंटरलॉक करती है और नया स्टिच प्रोवाइड करती है इंटरलॉकिंग के दौरान, यानी कि जिगजैग मोशन के दौरान, और फिर एक नया नया लूप प्रोवाइड करती है और पुराना लूप गिरता जाता है और नया लूप बनता जाता है, और इस प्रोसेस को अंडरलैप के नाम से हम जानते हैं, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और फैब्रिक का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वार्प निटेड स्ट्रक्चर्स। वार्प निटेड फैब्रिक्स में क्या क्या विशेषताएं, हायर प्रोडक्शन रेट होती है वीविंग की तुलना से, वाइड वैरायटी ऑफ फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, लार्ज वर्किंग बिट्स होती हैं, और यदि हम लो स्ट्रेस रेट ऑन द यार्न, यानी कि जो यार्न हम लेते हैं उसके ऊपर लोअर अमाउंट में स्ट्रेस दिया जाए और केयरफुली हैंडलिंग की जाए, तो हम बहुत सारे
डिफरेंट फाइबर्स से या डेलिकेट फाइबर से भी हम नीटेड फैब्रिक या वाप नीटेड स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। थ्री डायमेंशनल यदि स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है तो हम डबल नेट बार रेस्टल को यूज में लेते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वार्प नेट। वार्प नेट चार तरीके की है। सबसे पहली है ट्राइकॉट रेस्टल, थर्ड है क्रॉचेट और मिलेनीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइकॉट नेट। ट्राइकॉट नेट के फैब्रिक्स देखिए, ये ट्राइकॉट नेट की कुछ सैंपल है। ट्राइकॉट नेट के फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, रिंकल रेजिस्टेंस और गुड ड्रेपेबिलिटी होती है। ट्राइकॉट नेट के फैब्रिक्स को की हम वाइड वैरायटी बना सकते हैं डिफरेंट डिजाइंस में, और डिफरेंट वेट के हम फैब्रिक्स ट्राइकॉट नेट से तैयार कर सकते हैं। एक स्क्वायर यार्ड यदि हमें फैब्रिक नेट करना है तो हम लाइट फैब्रिक लाइट से लाइट फैब्रिक इसमें हम बना सकते हैं। चार ऑन्स यार्न को लेकर ट्राइकॉट फैब्रिक्स या ट्राइकॉट नेट से हम स्लीपवेयर, ब्लाउजेज, ड्रेस मटेरियल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन इसके बाद आता है रेस्टल नेट। रेस्टल नेट्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इससे हम वैरायटी ऑफ या डिफरेंट रेंजेस के हम फैब्रिक्स या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि लेसेस, पावर नेट्स, फाउंडेशन गारमेंट्स, स्विम वियर और कई तरीके के प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। रेस्टल नेटिंग जो है वो हैवी यार्न से की जाती है और कॉम्प्लेक्स लेस लाइक पैटर्न प्रोड्यूस किए जाते हैं। देन थर्ड आता है क्रॉचेट नेट। क्रॉचेट नेट ये हैंड क्रॉचेट नेट है। बेसिक हैंड क्रॉचेट नेट ही इसमें ली जाती है, और दिस ये जो कंस्ट्रक्शन है वो वाइड वैरायटी में एजेस को फिनिश करने के लिए यूज में लिया जाता है, जैसे कि लेसेस में इसको यूज लिया जाता है, लेसेस के फॉर्म में इसको यूज लिया जाता है, कारपेट्स या बेड स्प्रेड्स के लिए या नेट्स के लिए, के एजेस को कंप्लीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मिलेनीज नेट जो है वो ट्राइकॉट नेट स्टिच के सिमिलर होता है। इसके फेस साइड पर फाइन रिब कंस्ट्रक्शन होता है और बैक साइड पर डायगनल पैटर्न्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। मिलेनीज फैब्रिक ट्राइकॉट फैब्रिक से सुपीरियर होते हैं। ये स्मूथनेस लिए हुए होते हैं, इलास्टिसिटी होती है और फैब्रिक का स्ट्रक्चर बहुत ही रेगुलर होता है और फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होते हैं ये फैब्रिक। यूजेस ऑफ वार्प नीटेड फैब्रिक। वार्प नीटेड फैब्रिक को हम बहुत जगह पर यूज में ले सकते हैं। इनर वियर के लिए हम अंडरगारमेंट्स के लिए यूज में ले सकते हैं, नाइट ड्रेसेस के लिए, हुक्स, आई ट्रैप के लिए हम यूज ले सकते हैं, एपरल्स में भी हम इसको काम में ले सकते हैं, स्पोर्ट्स वियर, लाइनिंग, ट्रैक सूट्स में इसको यूज ले सकते हैं, हाउस होल्ड में फर्निशिंग, लॉन्ड्री बैग्स, मॉस्किटो नेट्स, एक्वेरियम फिश नेट्स, मैट्रेसेस स्टिच के फैब्रिक्स में भी हम इसको यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट है
शूज की अंदर की लाइनिंग में हम इसको उपयोग ले सकते हैं, या स्पोर्ट्स या इंडस्ट्रीज में जो सेफ्टी शूज काम में लिए जाते हैं, उनकी लाइनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ऑटो मोटिव इंडस्ट्री में इसका कार के कुशंस, हेलमेट्स, मोटर बाइक्स, सनशेड्स में इसका उपयोग किया जाता है। और इंडस्ट्रियल यूज में पीवीसी और बैकिंग प्रोडक्ट, मास्क, कैप और ग्लव्स में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एडवांस एप्लीकेशन ऑफ वार्प नेटिंग। तो फर्स्ट है इसका, हम कार सीट्स में इसका उपयोग कर सकते हैं, कंटेनर्स के लिए, टैंक्स के लिए, बोट्स में, एयरक्राफ्ट में, स्पोर्ट्स शूज में और मेडिकल या डायरेक्शन में इसका हम काफी उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि वार्प निटेड फैब्रिक किस तरीके से, कितने तरीके का और क्या-क्या इसका हमें यूज है, इसमें क्या-क्या प्रॉपर्टीज है और किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। थैंक यू एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।